टुडे वी स्टडी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है, यहां से तो यहां पे इक्वल्स टू R आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म R। V क्या होता है? V को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है यहाँ पे? I होता है हमारा करंट, जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो V is directly proportional to I, potential difference करंट के directly proportional होता है। यहाँ पे directly proportional हटेगा तो एक constant term आएगा जिसको बोलते हैं R, तो V equals होगा I into R। हम यहाँ से R equals लिख सकते हैं। R क्या होता है? Resistance। यहाँ पे लिखते हैं R equals क्या है? Resistance, resistance, ठीक है। तो I equals क्या हो जाएगा? V by I means potential difference upon current। ये जो resistance है इसको क्या बोलते हैं? Obstacle in the path of, obstacle in the path of electric current। electric current के बीच में जो रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं? वो होता हमारा resistance। resistance का relation देखते हैं। resistance जो होता है इसके directly proportional होता है, potential means potential difference बढ़ेगा तो resistance भी increase करेगा, और रेजिस्टेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। मींस अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये कंडीशन होती है यहां पे एट कांस्टेंट टेंपरेचर की, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कंडीशन क्या है? टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कौन सा आएगा? रेजिस्टेंस खुद आएगा, R इक्वल्स टू V / I। इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखो, यहां पे ये V है और ये I है, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। ये होता हमारा R, दैट इज कांस्टेंट टर्म। ये पूरा हो गया हमारा ओम्स लॉ। थैंक यू।